नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आईपीएल 2023 से पहले हम लगातार अपडेट आप लोगों को हर खबर का देते हैं, हर टीम का लगातार देते हैं, लेकिन खबर बहुत बड़ी गुजरात टाइटंस के लिए है, खबर बहुत बड़ी हार्दिक पांड्या के लिहाज से है, खबर बहुत बड़ी आईपीएल 2023 से पहले गुजरात टाइटंस की एक बहुत बड़ी कमजोरी की है। गुजरात टाइटंस ने एक ऐसी गलती कर दी जो भारी पड़ सकती है। हार्दिक पांड्या की टीम ने एक ऐसी नासमझी वाला फैसला ले लिया जो उनके ऊपर 2023 में भारी पड़ सकता है। और जाहिर तौर पर यह जो फैसला गुजरात ने लिया है, इसकी इस वक्त काफी चर्चा हो रही है, लगातार बातें की जा रही हैं कि आखिर गुजरात की टीम ने यह फैसला क्यों लिया, क्यों इस खिलाड़ी को गुजरात ने बाहर निकाला, क्यों इस खिलाड़ी पर गुजरात ने भरोसा नहीं जताया, क्यों इस खिलाड़ी की काबिलियत को गुजरात की टीम और हार्दिक पांड्या नहीं समझ पाए। यह लगातार चर्चा अब आईपीएल 2023 से पहले हो रही है। दरअसल आपको पता है कि आईपीएल 2022 में गुजरात की टीम चैंपियन बनी थी। उसके पीछे कुछ देसी और कुछ विदेशी खिलाड़ियों का रोल था। विदेशी खिलाड़ियों के तौर पर राशिद खान, डेविड मिलर और लॉकी फर्गुसन, तीनों खिलाड़ियों का बहुत बड़ा रोल था क्योंकि तीनों ने बेहतर गेंदबाजी की थी, खेल दिखाया था। लेकिन लॉकी फर्गुसन को गुजरात ने छोड़ दिया और लॉकी फर्गुसन को छोड़ना कहीं ना कहीं गुजरात को भारी पड़ सकता है क्योंकि विदेशी गेंदबाज के तौर पर लॉकी फर्गुसन ने बेहतर प्रदर्शन किया था 2022 में, और 2023 में अब आईपीएल से पहले लॉकी फर्गुसन गजब की फॉर्म में नजर आ रहे हैं, विकेट चटका रहे हैं। टीम इंडिया के खिलाफ 3 विकेट लेकर लॉकी फर्गुसन ने कमाल का प्रदर्शन किया और उससे पहले विश्व कप में भी लॉकी फर्गुसन का एक बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला था। तो ऐसे में लॉकी फर्गुसन को ट्रेड करके केकेआर को देना, यह कहीं ना कहीं गुजरात की टीम पर भारी पड़ सकता है। आखिर गुजरात की टीम लॉकी फर्गुसन की काबिलियत को क्यों नहीं समझ पाई? हार्दिक पांड्या जो बड़े कप्तान है, जिन्होंने शानदार कप्तानी की, जिनके अंदर लॉकी फर्गुसन ने शानदार प्रदर्शन करके दिखाया था, आखिर वो लॉकी फर्गुसन की काबिलियत को क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि लॉकी फर्गुसन रफ्तार के साथ साथ गेंदबाजी की धार के लिए जाने जाते हैं, वो विकेट चटकाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन गुजरात की टीम यहां पर पीछे रह गई और लॉकी फर्गुसन को दूसरी टीम को देकर, केकेआर को देकर कहीं ना कहीं पछता रही होगी और अब दूसरे किसी खिलाड़ी के पीछे जाना पड़ेगा, लेकिन उसके अंदर शायद वो धार नजर ना आए जो लॉकी फर्गुसन के अंदर थी। तो जाहिर तौर पर गुजरात की टीम की जो एक गलती है, ये उन पर 2023 में भारी पड़ सकती है। आपका गुजरात के इस फैसले पर, लॉकी फर्गुसन को बाहर निकालने पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। इसी तरीके के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।